ये जो मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी है जो मेरे दादा के भाई के नाम में है, फिरोज बख्त अहमद मौलाना अबुल कलाम आजाद की फैमिली से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ना ही वो नूरुद्दीन अहमद का सो कॉल्ड बेटा है। मौलाना की जो वाइफ थी जुलेखा बेगम, वो बालीगंज सर्कुलर रोड में रहती है। हमारी दादी जोहरा बेगम, हमारे वारिस साहब, हमारे ताया, चचा, फूफी सब हम लोग मौलाना के साथ ही रहते थे वहाँ बालीगंज सर्कुलर रोड में। जो हमारे वारिस साहब हमेशा जिक्र क्या करते थे, हमारी फूफी जिक्र करते थे कि कैसे मौलाना की लाइफ थी वहाँ पे। देखिए हकीकत ये है कि नजमा हेफतुल्ला, आमिर खान, लोग सब इसी फैमिली की हैं। वो मौलाना के बहन की फैमिली की तरफ से आते हैं, फातिमा बेगम जी, आमिर खान जी। मौलाना की जो बहन फातिमा बेगम वो बॉम्बे में रहती थी और एक बहन भोपाल में रहती थी। उनकी जो हमारे जो रिश्तेदार हैं, कुछ हैदराबाद में, कुछ लखनऊ में है, कुछ दिल्ली में, अलीगढ़ में, कुछ भोपाल में, कुछ अमेरिका में, यूके में, स्प्रेड आउट हैं, और कुछ सऊदी कंट्रीज में है। तो इस हवाले से वो सब तरफ हैं। और नजमा आपा, उनकी जो बहन है उजमा आपा, उनसे भी काफी बातचीत होती है। नजमा आपा से भी हमारी बातचीत हुई, अक्सर मुलाकात भी हुई है। और 2014 में आमिर भी आया हुआ था कलकत्ता, उससे भी मुलाकात हुई और हम लोग ने काफी चीज पर डिस्कशन किया। और इसके हवाले आमिर एक पिक्चर भी बनाना चाह रहा था। मौलाना के जो साहबजादे बड़े भाई गुलाम यासिन, उनके बेटे नूरुद्दीन अहमद थे, उनकी वालदा का नाम हफीजा बेगम। मगर असल में कुछ और है स्टोरी, वो मैं बाद में डिस्क्लोज करूंगी अप्रोप्रिएट टाइम में। मौलाना की जब वाइफ की डेथ हो गई थी और मौलाना जब नूरुद्दीन साहब की जो वालदा उनकी डेथ हो गई, तो हमारी जो छोटी दादी हैं हनीफा बेगम, वो नूरुद्दीन साहब को बकायदा अपने बच्चे की तरह पाली। और हनीफा बेगम ज्यादातर मौलाना के एसोसिएशन में रही, उनके घर को देखभाल करना वगैरह, तो हमारे वालिद इसके लिए बोलते थे। अब मुझे ये इस बात का बड़ा हैरा ये अस्टॉनिशमेंट लगता है इस बात से कि अचानक ये फिरोज बख्त अहमद का किस्सा कहाँ से आ जाता है। फिरोज बख्त अहमद मौलाना अबुल कलाम आजाद की फैमिली से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ना ही वो नूरुद्दीन अहमद का सो कॉल्ड बेटा है। फिरोज बख्त की लेगेसीज क्या है वो मुझे नहीं मालूम। वो फिरोज बख्त के साथ आया कलकत्ता और हमारे ब्राइट स्ट्रीट वाले मकान में वो आकर बकायदा हमारे फैमिली से मिला। कहने लग गया कि वो जर्नलिस्ट है, वो मौलाना के हवाले से कुछ पब्लिश कर रहा है, कुछ इंटरव्यूज लेना है। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उनको नूरुद्दीन अहमद से मिलना है क्योंकि मौलाना के बारे में उनको काफी जानकारी लेनी थी। चचा शायद फिरोज बख्त से मिलने के लिए राजी हो गए और फिरोज बख्त से मिले। उसके बाद फिरोज बख्त ने चचा के साथ, हमारी फैमिली के साथ काफी फोटोग्राफ्स उन्होंने लिया। अचानक ऑन अ प्रेजेंट नोट ही लेफ्ट, वो चला गया। कुछ अर्से बाद अचानक से एक फ्यूरो होता है, हमें यूबस सुनने को मिलता है कि ये फिरोज बख्त अहमद नूरुद्दीन साहब के साहबजादे हैं और उनकी अपनी क्लेम्स थी। ये र्यूमर्स था, ये हमारे लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज थी क्योंकि वी वर नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ अ न्यूज। एंड फिर उसने अपने जो चीफ हथकंडे हैं वो अपनाना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स, ही स्टार्टेड पोस्टिंग लेटर्स, उसके बाद में बकायदा वो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखना और उसके बाद में यू नो लाइक लोगों को बताना,
जस्ट चीप पब्लिसिटी। नूरुद्दीन साहब से बकायदा नूरुद्दीन साहब ने उसके अगेंस्ट में न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस में स्टेट्समैन है, द ऑब्जर्वर है, उसके सारे कटिंग्स हैं, उसके सारे व्यूज हैं, वो सारी चीज नूरुद्दीन चचा ने उनके खिलाफ फिरोज बख के खिलाफ उन्होंने जवाब दिया, बिकॉज ही सेड कि उनकी शादी कभी हुई नहीं थी उनकी वालदा से कैसर जहां से। और तो फिर ये नूरुद्दीन साहब ये फिरोज बख वाला किस्सा कहां से इख्तियार हो गया। इनफैक्ट ऐसा था कि फिरोज बख की जो वालदा है, उनकी जो खाला है, वो लोग दिल्ली में रहती थी, चचा वहां पे नेशनल लाइब्रेरी में जॉब करते थे। उन्हीं दरमियान उनकी मुलाकात हुई इन दो बहनों से। कुछ आफ्टर सम टाइम आई थिंक चचा ने यह जिक्र किया कि उनकी इंगेजमेंट हो गई, और उसके बाद में जब मौलाना वापस आए और मौलाना आउट ऑफ द कंट्री थे, उन्होंने ये रिश्ता उनको ये रिश्ता मंजूर नहीं था, बिकॉज ही फेल्ट दैट द गर्ल वॉज नॉट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द फैमिली, उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं थी। मौलाना इस रिश्ते से कभी भी खुश नहीं थे, तो ये रिश्ता बकायदा वो आगे बढ़ा नहीं, एंड नूरुद्दीन चचा ने रिश्ता तोड़ दिया। अबू सलमान शाहजहानपुरी साहब से, हनीफ रसूल साहब से, हम लोग पाकिस्तान से हैं, वो लोग कलकत्ता आए। इनफैक्ट हमारे मुझे ये था कि वो बकायदा हमारे यहाँ पे रहे रुके, और उनसे ये जिक्र भी हुआ, और शाहजहानपुरी साहब ने ये कहा कि फिरोज बख्श अहमद उन शायद वो शाहजहानपुरी साहब से मिला भी था कभी, और वो अपनी ये चीफ हट करके उनके साथ भी अपनाए, वो उनकी जो आर्टिकल है वो अपने नाम से छाप दिया। वो अक्सर ऐसे ही करता है, किसी और का आर्टिकल वो अपने नाम पे छाप देता है, पब्लिश कर देता है। तो मैंने उनसे जिक्र भी किया था इस बारे में, इनकी शादी के बारे में, उन्होंने बकायदा कहा कि वो झूठ कह रहा है, उसको कुछ नहीं है इस फैमिली से मतलब, और बकायदा हमारे पास एविडेंसेस हैं। मुझे ये कहना है कि अगर फिरोज बख्श अहमद जो कह रहा है वो नूरुद्दीन साहब के साहब जाने, तो आपके प्यार, आपकी जो जितनी सारी फीलिंग्स उसी वक्त उमड़ रही थी जब आपके 1988 में इंडिया विंस फ्रीडम की सारी जो कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही थी, मुझे ये बताएं जो शख्स, आप इतने भी बेवकूफ नहीं हो कि आपको अपने वालिद के हवाले से कुछ पता ना हो। आपकी वालदा उसी वक्त ही जाहिर करती हैं, हालांकि आप जब आए थे तो आप यू आर एन अडल्ट, आप 30 के करीब हो गए, उन दरमियान आपको उस वक्त आपको होश नहीं था, आपकी उस वक्त प्यार मोहब्बत नहीं उमड़ी थी जब आपके वालिद जिंदा थे, आपको सडनली याद आ गया कि आपके वालिद जिंदा हैं। इस हवाले से मुझे ये कहना था कि अगर शादी हुई है तो वो निकाहनामा कहाँ है, निकाहनामा की तो कोई वजूद ही नहीं है। हालांकि इस कॉन्ट्रोवर्सीज को लेके उसने काफी मडस्लिंगिंग की, हमारे वालिद, हमारे चचा, पूरी फैमिली को पोस्टर्स लगाना, उसके अगेंस्ट में हम लोग ने सारे उसको जवाब भी दिए हैं, वो सारे पेपर्स हैं मेरे पास। इनफैक्ट हम जब मौलाना तैयब से मिले, हमारे वालिद साहब, उन्होंने इस बारे में जिक्र किया, कहने लग गया कि फिरोज बख्श अव्वल नंबर का झूठा और मक्कार इंसान है। वो नॉर्मली क्या करते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर होते हैं उनके साथ ये अपनी लेगेसीज को ज्वाइन कर वो उसके हवाले से ही वांट्स फुल रिकग्निशन। अब जब कांग्रेस पावर में था उन्होंने ऐसे हथकंडे कांग्रेस से भी किए, जब बीजेपी पावर में आया वो भी अभी इस हथकंडे पे अपना गए। सो दिस इज वॉट बेसिकली ही इज एन ऑपरचुनिस्ट, वो मौलाना का नाम यूज कर अपनी पर्सनल जो बेनिफिट्स है वो उठाता है। इम्पोस्टर अपने आप को अगर मौलाना के खानदान वाले से रिश्ता जोड़ता है और लोग इतने ही बेवकूफ हैं, तो फिर मुझे और इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है।